بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھ محمد وآل محمد آپ مومنین کی خدمت میں اللہ کی کتاب قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے, توجہ سے سنیے گا. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے. یتلونہ حق تلاوتہ, اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ ترجمہ تکرار کر رہا ہوں. وہ لوگ, اللہ فرما رہا ہے, کچھ لوگوں کو یاد فرما رہا ہے, کچھ لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے, اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے. دوسرے نہیں, یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ, اور جس نے اس کتاب کا انکار کیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو یہی لوگ خسارہ اٹھائیں گے. صلوات پڑھی محمد والے. الحمدللہ, اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ اس بابرکت اور محترم علمی درسگاہ میں تشریف لائے, اور آپ کا یہاں پر آنا یہ گواہی دے رہا ہے, آپ کا یہ عمل گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو اپنے دین سے محبت ہے اور آپ دین کو اہمیت دیتے ہیں. انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے پھر اس کی طرف حرکت بھی کرتا ہے, اور جو چیز اس کے لیے زیادہ اہم نہیں ہوتی پھر انسان میں حرکت بھی نہیں ہوتی. پانی آپ کے سامنے پڑا ہو لیکن آپ پیاسے نہ ہوں, پیاس کا احساس نہ کریں, تو پانی کی طرف حرکت بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. پانی کی طرف وہی بڑھے گا جو اپنے اندر پیاس کا احساس کرتا ہے. تو آپ نے اپنے اندر دین کی ضرورت کا احساس کیا, آپ نے پیاس محسوس کی,
तो आप अपने काम छोड़कर यहां पर तशरीफ लाए। मुख्तलिफ उलमाए कराम की बातें, नसीहतें, हिदायात आप समाअत फरमा रहे, तो मुझे भी जो तौफीक मिली है आपकी खिदमत में हाजिर होने की, मेरी भी नीयत और इरादा यही है कि अल्लाह मुझे तौफीक दे और एक ऐसी बात करूं आपसे कि जो आपको दुनिया और आखिरत में फायदा दे। एक ऐसी बात करने लगा हूं कि जिसमें है अल्लाह उससे राजी है और जिसमें नहीं है अल्लाह उससे राजी नहीं है। तवज्जो फरमा रहे, अहमियत बढ़ गई। जिसमें भी वो है अल्लाह उससे राजी है और जिसमें भी वो नहीं है अल्लाह उससे राजी नहीं है। और वो क्या चीज है, मैं अपने लफ्जों में कहने की बजाय खुद खालिक ही के लफ्जों में ही आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 121 पढ़ी है, आपने तर्जुमा सुन लिया। एक दफा फिर तकरार कर देता हूं क्योंकि आपसे गुजारिश करूं कि जब आकर फर्श अजाब पर बैठा करें, किसी दीनी महफिल में बैठा करें, तो आते हुए एक नियत किया करें। करते होंगे, याद दहानी करवा रहा हूं। घर से निकलते हुए नियत किया करें कि नियत करता हूं उस दीन को सीखने की जो दीन हुसैन के नाना लाए थे और कर्बला में हुसैन ने सब कुछ कुर्बान करके बचाया था, उस दीन को सीखने के लिए, उस दीन के बारे में अपने इल्म में इजाफा करने के लिए इस महफिल की तरफ जाता हूं कुर्बतन इलल्लाह। तवज्जो फरमा रहे, सीखने के लिए जाता हूं। रोजे कयामत, आपको पता है एक नाम कयामत का है यौमुल हसरा, हसरत का दिन। हसरत का दिन क्यों? क्योंकि अल्लाह हमें हमारी गुज़श्ता जिंदगी दिखाएगा, तो हमारी जिंदगियों में बहुत सारे काम ऐसे होंगे, अल्लाह करे बहुत कम हो या ना हो, खुदा करे खुदा हम सबको ऐसा कर दे, लेकिन बहुत सारे लोग उनको जब अपनी गुज़श्ता जिंदगी दुनिया में दिखाई जाएगी तो वो हसरत करेंगे कि काश ये वाला काम करने की जगह कोई अल्लाह की पसंद का काम कर लिया होता। तवज्जो फरमा रहे, तो अल्लाह फरमाते हैं हसरत का दिल होगा, तो एक बहुत बड़ी हसरत करने वाले वो लोग होंगे कि जिनके इर्द गिर्द दीन को सीखने के मौके मौजूद थे लेकिन उन्होंने दीन सीखने की जरूरत महसूस नहीं की, संजीदा नहीं हुए दीन के बारे में। और मैं आपको अभी बताने लगा हूं बड़े अदब से और आपसे एडवांस में माफी मांग के कि कुछ मामले दीन के ऐसे हैं
कि जिन मामलों में बिलअमूम दीन के बारे में जो लोग संजीदा हैं उनका रवैया भी ठीक नहीं। कुछ लोग तो वो होते हैं ना जो दीन के बारे में संजीदा ही नहीं होते, दीन उनके लिए अहम ही नहीं होता, बस गलती से पैदा मुसलमान के घर हो गए होते और मुसलमानों वाली बात उनमें कोई नहीं होती। उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूं कि जो दीन के बारे में संजीदा है। तो ये जिसकी तरफ, जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूं, ये एक ऐसी बात है कि जिसके जिस मामले में दीन के बारे में संजीदा लोगों का भी अक्सर रवैया गलत है, ठीक नहीं है, और वो मामला है अल्लाह के कुरान का मामला। किसका मामला? अल्लाह के। ज्यादा तो नहीं थके ना आप, तो मेरे साथ रहिएगा। साथ से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई नारा वगैरह ऐसी बात हो, उसकी लोड़ ही नहीं है, बल्कि हमारी कौम में तो अब नारे एक बीमारी बन गए, खतीब के लिए भी और आवाम के लिए भी। अगर दो तीन मिनट बाद नारा ना लगे तो खतीब के डेढ़ में पीड़ शुरू हो जाती है, भाई ए ना जे नारा ना मारिया थे अगली बारी मेरा इत्थे आना मशकूक हो जाए। आकड़े सड़ी हुई तकरीर की तीस कोई बोले आएगी, तवज्जो फरमा रहे। लेकिन इन नारा अपनी जगह बड़ी अच्छी चीज है, मोहब्बत का इजहार है, जोश का इजहार है, लेकिन अवाम नारा मारे तो ठीक है, खतीब को तलब नहीं होनी चाहिए। खतीब की तलब अल्लाह से होनी चाहिए और किसी से नहीं होनी चाहिए। और जब नारों का कल्चर बहुत ज्यादा हो जाता है फिर संजीदा बात करना मुश्किल हो जाता है, दीनी मसला समझाना मुश्किल हो जाता है, फिर तो हर बात को इस तरह मेकअप किया जाता है कि जब मैं एंड करूं तो नारा लगे, और फिर भी ना लग रहा हो तो फिर वो कहते हैं जेड़े हलाली हैं नो नारा मार सेट, तो जेड़े फलाण हैं नो कोई ना मार सेट। ये बेईमान होते हैं, पता आपको, ये हलाली हरामी का शोर वाले बेईमान होते हैं। ये अल्लाह के रसूल और अहले बैत की रविश, उनकी रविश एहतराम वाली रविश। अहले बैत नहीं नारे बनाते थे, अहले बैत नहीं कहते थे साडा गूंगा मजमा बोलता ही नहीं पिया। अहले बैत का हम व गम ये था कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाए, और जैसा है वैसा पहुंचाए, बंदों को पसंद आए या बंदों को पसंद ना आए। तो मेरी बात को खूब तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह की किताब का मामला, अलबत्ता उससे पहले यह बता दूं कि दो चीजें हमारे लिए बुनियादी तरीन दीन का सरमाया है, दो चीजें। एक का नाम कुरान है, एक का नाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे दीन की सारी बुनियाद इन्हीं के इर्द गिर्द, इसी इन दो सतूनों पर हमारा दीन, जिसे हम मकतब अहले बैत कहते हैं, वो खड़ा हुआ। असल मकतब अहले बैत, तो जो भी हकीकत में मकतब अहले बैत का पैरोकार होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता उसकी जिंदगी में ये दो चीजें दिखाई ना देती हो, एक कुरान और एक अहले बैत। मेरा कहना अहम नहीं है कि मैं अहले बैत का मानने वाला हूं, बल्कि जो चीजें मेरी जिंदगी में होनी चाहिए जब तक वो ना हो, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि
चार घोड़सवार घोड़ों पर सवार शहर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक खोती वाला भी साथ मिल गया। वो खोती पे बैठा हुआ था, वो भी साथ अपनी खोती पे चलना शुरू हो गया। तो जो भी रास्ते में पूछता था किधे पे जानते हो, वो खोती वाला पहले बोलता था 85 सवार शहर पे जानते हो। काना था ना उस वो घोड़ों पे सवार, ये खोती पे सवार। जो खुद को अहले बैत का शिया कहता है, अगर वो अकल रखता है तो अपने आप को शिया कहने पर खुश ना हो। या जनाब मैं तो मजलस से बड़ा नारा मारे है, ते मजलस वाला प्यांदा ही जेड़े पक्के शिया नो ही नारा मार से, ते मैं नारा मार के शिया हो गया। पहले अहले बैत से पूछ लो वो किसे शिया कहते हैं। मैं तो हो सकता है बात की फीस के लिए आपको शिया सबको सर्टिफिकेट दे दूं, लेकिन हर सर्टिफिकेट नकली है, वो सर्टिफिकेट असली है जो अल्लाह के रसूल और अहले बैत देते हैं। क्योंकि जब वो देखते हैं ना कि इसमें जो हमने सिफात बताई है वो तो है कोई ना, लेकिन जिथे ना आवे सब तू अगे आके खलो जांदा वे मेरे तू बड़ा शिया ही कोई नहीं। वो फिर एक लतीफा याद आ गया मुझे, थके बैठे हो मैं आपको आपको ना नहीं मैं आपको बुलाने के लिए नहीं कह रहा, मेरा मकसद और है, सुन ले तवज्जो कर। एक बारी शिकारी शिकार खेड़दा प्याई ते जंगल दे बादशाह शेर नुक दी उस गोली मार छड़ी, शेर दी टांगे च गोली लगी, वो जख्मी हो गया, वो अपनी कछार दे विच अपनी गार दे विच आराम करदा प्याई, डॉक्टरों नूं आराम दा मशवरा दित्ता। ते रियाया जेड़ी जंगल दी रैयत रियाया आई, वो शेर नूं पुछण हुंदे पै, तवज्जो करना। ते एक कछू कुम्मा कछुआ वो भी शेर नूं पुछण, बादशाह सलामत कैसी तबीयत है, शेर आंदा बस पीड़ है ते ओन हुण तबीयत बेहतर। उस आखिया बादशाह सलामत ते की बड़िया किवें जख्मी होए हो, बादशाह आखिया बस मैनू पता नहीं लगा ते शिकारी घात ला के बैठा है, उस गोली मारी है ते ओ टांगे च लगी है तूं दी। उधरा गौर नाल सुनना, कछुआ गल सुन के आंदा है जी आ बादशाह सलामत, ए शिकारी अजकल साडे वर्गे सोहणे जानवरां दे बड़े दुश्मन बने हुए। साडे वर्गे सोहणे जानवरां दे बड़े दुश्मन बने हुए शिकारी। शेर ओदी गल सुनी ते आख्या एडी मैनू गोली दी पीड़ नहीं होई जिड्डी तेरी गल दी पीड़ होई, एडी मैनू शिकारी दी गोली दी पीड़ नहीं हुई जेडी तू ऐ गल कीती है ते मैनू पीड़ हो गई। साडे वर्गे सोहणे शेर किथे ते कछू कुम्मा। ये लतीफा अपनी जगह पर, जब हम अहले बैत की बताई हुई सिफात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश नहीं करते, अहले बैत ने जो काम बताए हैं वो हमारी जिंदगी में दिखाई नहीं देते, और फिर असी नारा मार के आने साडे वर्गा शिया ही कोई नहीं, अहले बैत नु पीड़ होंगी। तवज्जो फरमा रहे। अच्छा स्कूल कौन सा होता है, आपने अपना बच्चा दाखिल करना हो किसी स्कूल में, आप देखोगे ना कि इस स्कूल के रिजल्ट कैसे आते हैं। ठीक है, बच्चों के तुसी रिजल्ट चेक करो, ओए होए होए तो सारे दे इतने अच्छे नंबर आए, बोर्ड च इतनी पोजिशन आई हैं, तुसी आंदे हो मैं भी बच्चा इस स्कूल च पढ़ना। और अगर रिजल्ट अच्छे ना हो और एक दिन आप स्कूल के अंदर जाएं
बच्चे खेल रहे हो, तुसी नेड़े जाओ ते दो बच्चियां दी उत्थे लड़ाई होवे ते ओ दुए एक ओ एक दूसरे नू मावां ते बहणां दी गालां कड्डना शुरू हो जावण, तुहाडा दिल करसी बच्चा दाखल करो ते तुसी शफकत नाल ना लो कि मेरा बच्चा क्यों पे लड़दे हो, थानू भी दो गालां कड्ड दे, तू अपना काम कर मूचा के आ गए, तुसी अपना एक ही बलाई दे स्कूल च वड़े हो, मैं अपना बच्चा इस स्कूल है। आपको पता है मकतब का मतलब क्या होता है? मकतब अहले बैत, मकतब यानी स्कूल, मकतब का मतलब होता है स्कूल, मकतब अहले बैत यानी अहले बैत का स्कूल। अल्लाह की कसम इस स्कूल का निसाब अगर कोई उसको अहमियत दे जो सिलेबस इस स्कूल के टीचरों ने बताया है, तो सच्चाई में, अदलो इंसाफ में, अखलाक में, ईमानदारी में, दूसरों पर रहम करने में, गरीबों का ख्याल रखने में, इस स्कूल से ज्यादा किसी के बच्चे ज्यादा नंबर नहीं ले सकते। लेकिन अगर नाम तो लिखा हो मकतब अहले बैत, स्कूल ऑफ अहले बैत, तो बच्चा पढ़ के मैं इतू पढ़े होया तो गाल करे तो कूड़ मार दे, गाल कटे किसी का हाथ मार लगे, लोग आखना स्कूल का नाम बड़ा उच्चा है, तो ये ईमानदारी च भी फेल, ये सच्चाई च भी फेल, ये अच्छे अखलाक च भी फेल, ये स्कूल का रिजल्ट दसदा पै भाई ना तो बड़ा है लेकिन गाल कोई नहीं। अब समझ आई कि अहले बैत ने क्यों फरमाया था कि ऐ हमारे शियो, हमारे लिए जीनत का बायस बनना, हमारे लिए नंगो आर का बायस न बनना, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं होना, लोग थानू वेख के पता करना है भाई ये स्कूल अच्छा स्कूल है या स्कूल बुरा स्कूल। तो आज हम कैसे, वक्त नहीं है, मेरी असल बात रह जाएगी वरना ये दास्तान बड़ी तूलानी दास्तान है। आ जाए जरा कुरान के मामले की तरफ। मैंने क्या अर्ज किया कि जो संजीदा है दीन के बारे में, कुरान के बारे में, उनका भी अक्सर रवैया ठीक नहीं है। मेरी कोई मजाल नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं वो कुरान की आयात और अहले बैत के फरामीन को देखने के बाद कर रहा हूं कि उधर क्या कहा गया है, क्या मुतालबा किया गया है और हमारा रवैया क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दीन के बारे में संजीदा लोगों का भी रवैया ठीक नहीं है कुरान के बारे में। एक सलवात पढ़ दे फिर मोहम्मद वाले। अल्लाह वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की है ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है, यही लोग इस पर ईमान रखते हैं। ये तीन हिस्से इस आयत के हमने मिल के समझने, और समझने इसलिए ताकि हम अमल कर सकें। ऐसे नहीं जनरल नॉलेज में इजाफा करके करना शरना कोई नहीं। अल्लाह फरमा रहे, अब मैं एक हिस्सा पढ़ूंगा और आपसे सवाल करूंगा, आप सब ने जवाब देना, मेरी आपसे दरखास्त। अल्लाह फरमा रहा है वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की है, ये बात करके अल्लाह हमसे सवाल करे, मेरी बात तुमने सुनी, हम क्या कहेंगे, सुन ली, तो मुझे बताओ जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है तुम उनमें शामिल हो या शामिल नहीं हो।
समझ होंगे भाई, क्या जवाब देंगे? कौन सी बात की अल्लाह ने? वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की है और पूछा तुम हो शामिल इन लोगों में या शामिल नहीं हो, तो क्या कहेंगे आप? काई ना गाल बड़ी शामिल है, घबराओ नहीं, सादी सी बात है, सादे से लफ्ज है, कोई साइंसी फॉर्मूला तो नहीं है, ठीक है ना? ऐसे ही जैसे आपसे कहूं जेड़े लोग इत्थे आए बैठे हो, फिर आपसे पूछूं तुसी हो या कोई नहीं, की आखिर ते अल्लाह पे आंदा है जिन्हां लोगों नूं मैं किताब दित्ती है, थानू दित्ती है कि कोई नहीं दित्ती है? जी सिद्ध जी का कोई है जेड़ा आखे मैं तो कोई नहीं दित्ती? हम जितने यहां पर बैठे हुए हमें अल्लाह ने एक किताब दी हुई है कि नहीं दी हुई? क्या नाम है उस किताब का? कुरान। तो अल्लाह ने पूछा हाँ भाई तुम इन लोगों में शामिल हो, हमने क्या कहा हाँ या नहीं? जी हाँ, मुड़ हाँ करके असि खुश भी होए, साडा जिक्र ते ऐतां च पे आउंदा, साडा जिक्र ते ऐतां च पे आउंदा, ऐतां ते जिक्र ते खुश ना हो, ऐतां विच ते अल्लाह दे दुश्मन दे जिक्र भी होंदे, तवज्जो फरमा रहे। असी बड़ा खुश हो के आखिया जदन सानू गल समझ आई भी गल तो साडी होंदी पई, सानू भी अल्लाह किताब दित्ती हुई, ते मुड़ असी बड़े खुश होए, ते असा जरा सीना चौड़ा करके आखिया, घबराहट साडी दूर हो गई कि अल्लाह नू कोई गलत ना जवाब दे पवीए, ते मुड़ जदन सानू गल समझ आ गई, मुड़ असी जरा साडे चेहरे खिल गए, सीने जरा चौड़े हो गए, ते असा आखिया या अल्लाह साडा जिक्र है, सानू तुसा किताब दित्ती हुई है, असी इन्हां अल्लदीना आतैना हुमुल किताब दे विच शामिल आए, ते अल्लाह ताला वेख्या ना कि तो बड़े खुश होंदे पैर, ते अल्लाह फरमाया हाली थोड़े जे बरेका ते पैर रखो, पहले मैनू गल पूरी कर लवण दिओ, ते मुड़ जितना दिल इन्हें खुश होया उंज भी हुण ते असी इतने खुश होंदे हैं, हुण तां अगले दे एक वीडियो वेखीए ते ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਖਲੋ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਦੀਨ ਚ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਖੀਏ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ, ਹਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, इस पासे दीनी महफिल होनी है, इस पासे ऐशो इशरत दी महफिल होनी है, दो बंदा नाच वेख के लोगों नूं समझ नहीं होनी है नाचो दीनी केड़ी है तो दुनियावी केड़ी है, सलवात पढ़ो मुहम्मद व आले मुहम्मद, एक मरतबा फिर सलवात पढ़ो। अल्लाह ताला फरमाया थोड़ा जहा ब्रेक ते पैर रखो, मुड़ जेले मैं गल पूरी कर लवा, मुड़ खुश होया है, अस आखे जी या अल्लाह पूरी गल मुड़ दसो सानू। अल्लाह ताला फरमाया वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है मैनू भी पता है तुसी उन्हां दे विच शामिल हो, तुसी आपको तो सही कोई नहीं शामिल, तो मैं तुहानू पूछ रहा सा, अगली गाल मैं करदा मोड़ भी दसना के शामिल हो या शामिल कोई नहीं, असा क्या या अल्लाह दसो इंशाल्लाह सी शामिल साएंगा, साडे वर्गे सोने जानवरां दे शिकारी दुश्मन हो गए, तवज्जो फरमाए, फरमाया जिनको हमने किताब अता की है यतलूनहु हक तिलावतही, ऐसे उसको पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है, हुण दसो शामिल हो या शामिल कोई नहीं, हर शह थोप गई, हर शह कितने बंदे लभ सकते हो जिंदे बारे च अपने जाणन वालिआं च असीं आख सकीए ऐ कुरान इंज पढ़दा है जिवें पढ़न दा, कितने ये आख सकते हैं,
ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਚ ਤਵੀਜ਼ ਇੰਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਵਣ ਦਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਤੇ ਅਰਕ ਗੁਲਾਬ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲਿਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਇੰਜ ਪੜ ਛੱਡਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਪੜਨ ਦਾ ਹੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇੰਜ ਪੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੜਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਆਦਤ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਮਸ ਘੱਟ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਦੀਨ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੁਮਸ ਵੀ ਲਾਵੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਸਤਖਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਖਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਇਤ ਆਏ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਇਸਤਖਾਰਾ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਆਇਤ ਆਵੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਇਸਤਖਾਰਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਸਤਖਾਰਾ ਆਪ ਵੀ ਕੀਆ ਕਰੇ, ਜਬ ਆਪਨੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਬੁਲਾਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋ ਆਪਕੋ ਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਦੀਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਨੀ ਹੋ ਉਸਨੇ, ਉਸਕੋ ਜਬ ਬੁਲਾਨੇ ਲਗੇ ਤੋ ਇਸਤਖਾਰਾ ਕੀਆ ਕਰੇ। ਇਸਤਖਾਰਾ ਵੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਵੋ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਵੋ ਇਸਤਖਾਰਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਇਸਤਖਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਪਕੜ ਲੇ ਕੁਰਾਨ ਖੁਲਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਫ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਤੋ ਆਪ ਉਸੇ ਕਹੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰ ਤਾਈਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਜੇ ਸੁਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਇਸਤਖਾਰਾ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਚਾਰ ਕਤਨਾ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਇਸਤਖਾਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸਤਖਾਰਾ ਹਾਲੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੀ ਅੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਆ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢੇਰ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਹੇ ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸਤਖਾਰੇ ਦਾ ਦੂਆ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਹ ਇਸਤਖਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੰਜ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਣ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਵਣ ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਣ ਤਿਲਾਵਤ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੌਮ ਇਸਤਖਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵੀ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ 22 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੀਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਠਰ ਜਾਵਾਂ। ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਤੋ ਅੱਲਾ ਕਿਆ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ ਲੋਗੋ ਕੋ ਹਮਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਾ ਹੱਕ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਚੁੱਪ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਲੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੁੜ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ FA ਤੇ FSC ਤੇ BA ਤੇ BSC ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਏ, ਖਲੋਂਦੇ ਲਾਤੀ ਨਾ ਲਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਢੇਰ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਆਈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਘੱਟ ਆਈ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਘੱਟ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਢੇਰ ਆਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਲਾ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਅਮਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਮਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਮੁੜ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐ ਇਮਾਨ ਵਾਲੋ ਵੋ ਕਿਉਂ ਕਹਤੇ ਹੋ ਜੋ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਯਾ ਅਯੂ ਅਲਦੀਨ ਆਮਨੂ ਲਿਮ ਤਕੂਲੂਨ ਮਾ ਲਾ ਤਫਅਲੂਨ, ਐ ਇਮਾਨ ਵਾਲੋ ਵੋ ਕਿਉਂ ਕਹਤੇ ਹੋ ਜੋ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਤੀਸਰੀ ਆਯਤ ਕਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੋ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹੇ ਹਮਨੇ ਕਿਤਾਬ ਅਤਾ ਕੀ, ਹਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ, ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਤੇ ਜੈਸੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਤ ਉਸਕੇ ਜ਼ਹਿਨ ਕੋ ਟੱਚ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤੌਫੀਕ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਲਾਇਕਾ ਯੁਮਿਨੂਨ ਬਿਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੈ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ FA ਕੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬੋਂ ਕੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤੋ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੰਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਉਤਨਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਮਾਨ ਜੇ ਫਕਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਹ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦਾ। ਆਇਤ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ, ਵੋ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਹਮਨੇ ਕਿਤਾਬ ਅਤਾ ਕੀ ਹੈ ਐਸੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਤੇ ਜੈਸੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਯਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਲੈ ਔਰ ਆਪਕੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤਮਾਮ ਕਰੂੰ। ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਜੋ ਆਯਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਆਯਤ ਆਪਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸਕੇ ਤਰਜਮੇ ਕੋ ਆਪ ਗੌਰ ਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤੋ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਤਰਜਮਾ ਬਿਆਨ ਕੀਆ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ, ਇਸਮੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਹੱਕ ਕੇ ਤਿਲਾਵਤ। ਕੌਨ ਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਾ ਹੱਕ। ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਕਾ ਹੱਕ, ਬਾਪ ਕਾ ਹੱਕ, ਐਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਲਾਵਤ ਕਾ ਹੱਕ। ਕੈਸੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀ ਜਾਏ ਕਿ ਹਮ ਉਨਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਾਇਨਾਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦੋ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ से पूछ कर बताता हूं कैसे कुरान पढ़ा जाए तो इंसान उनमें शामिल हो जाएगा जो कुरान को ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का,
और उस उस्ताद का नाम है जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जेड़े आंदे असी तो दीन अहले बैत तू लेंदे आए। ओ जरा ए फरमान सुनन ते मुड़ दसन, जे दीन अहले बैत तू असी लेंदे आए ते मुड़ कुरान पढ़न दा तरीका अहले बैत तू क्यों नहीं लिया? इधर क्यों असी सुते रह गए? तवज्जो फरमा रहे, अहले बैत तू दे सदके मनता ते मुरादा पूरिया करावन दा भी सानू बड़ा शौक, अहले बैत नू क्यामत आले दिन सिफारिश शफात करावण दा भी सानू बड़ा शौक, लेकिन अहले बैत दीआं गल्लां सुन के पढ़ के समझना ते उन्हां ते अमल करना इन्हां दा एडा शौक कोई नहीं। तां ही तो कुरान पढ़ पढ़ के थके पए, नहजुल बलागा पढ़ पढ़ के अके पए हैं, ते सहीफा सजादियत दगा ही ना करो। हालांकि एक शिया को चाहिए था अपने आप को तब शिया कहता पहले ये तीन किताबें पढ़ ले। कितने नारे लगते हैं, कितनी अली अली होती है, तो क्या मतलब मौला अली पूछे कि अली अली तू बड़ी करता है, मेरे कलाम की एक किताब भी है नहजुल बलागा, कदी उन्दे अली मुंह कीता है? कोई नहीं। अगर मेरे अजीजान फौत हो गए, तकरीबन ए हकीकी वाकया थोनू दसदा पिया, गौर नाल सुनया है जुमला, उन्हें एक बोलिया हो सोने ना लिखण आला। मैं उसले ईरान ताजा ताजा पढ़न गया, छुट्टियां ते आया मैं, ते ओ मैं उन्होंने सलाम करन गया डेरे ते उनांदे, ओ बैठे उन्हें मैंने दूरों वेख्या, उन्हें आख्या हैदर है? मैं जी हैदर हाँ। और आ मेरा पुत्र, मैं गया उन्होंने कोल, मैनू कहते मेरा पुत्र है जी नहजुल बलागा किताब है ये कहती है मौला अली दी? मैं आख्या जी ये किताब मौला अली लिखी नहीं, तो एक आलेमान उन्हें मौला दा कलाम मुख्तलिफ इकट्ठे करके खुतबे खतूत ते छोटे जुमले कलिमात किसार ते उन्हें इस नू किताब दी शक्ल दित्ती ते नहजुल बलागा ना रखिया। आंदे नो मैं इयो मैं ये पुछदा पिया मैनू ये गल दस कि जिहड़ियां विच गल्लां नू जिहड़ियां विच गल्लां नू जिन्हें नहजुल बलागा पढ़ी उन्हें समझ आनी है, जिन्हें नहीं पढ़ी अल्लाह तौफीक दे दे। ठीक है, आंदे ने इस 60 साल तो उत्ते उसले उन्हां दी उम्र आई ते हुण ते फौत हो गए कई साल हो गए। ठीक है, वह मैनू आंदे मैं ते तू यही पुछदा पिया ना जी विच जिहड़ियां गल्लां लिखियां ये मौला अली दियां? मैं आख्या जी हाँ, जिहड़ियां विच गल्लां लिखियां ना वह मौला अली दियां। उन्हें गल सुन के जुमला जरा बोलिया ना वो बड़ा मार्फत आला जुमला, ये मार्फत होनी उन्होंने जरा आप पढ़े। उन्हें मैनू आख्या मेरा पुत्र जे ए मौला अली है ना जरा नहजुल बलागा इस गल्ला पे करता तो ए साढ़े पिंड चू तो एक भी नहीं बचता। ए जे नहजुल बलागा मौला अली ए ना जेड़ा ए विच इंदे गल्लां पे करदा ते खुतबे पे देंदा ते खत पे लिखदा ए जे मौला अली है ना ते सानू तां दस्सिया ही कोई नहीं, सानू तां इहो दस्सिया ना मौला आउणा ते फरिश्तियां नू भजा के सानू छड़ा के लै जाणा। ठीक है, ते जेड़ा ए जे ए मौला अली है जेड़ा नहजुल बलागा आला ते मेरा पुत्र है जेड़ा कम से कम जे इन्हां नू मैं जाणदा ना उहनां च तां कोई नहीं बचदा। और ये बिल्कुल सही कह रहे थे। आप कुरान पढ़ो तुसा शायरियां सुननियां, तुसा पता नहीं की इंडियन धुन ते तुसा कसीदे सुनने, बाद सुनया है पहले एक बारी कुरान ते पढ़ लो, नहजुल बलागा ते पढ़ लो, सहीफा सजादिया ते पढ़ लो, ते एक किताबा थानू इतने थोड़े दिमाग तेज कर छड़ सन कि थानू खरे ते खोटे की पहचान जरूर हो जाए, ते इन्हां तो बगैर कोई नहीं होनी भावे जेडे मर्जी अपने आप नू सियाणे समझदे रहो। हक के तिलावत क्या है? आयत के तर्जमे से भी हमें आइडिया हो जाता है असी कदर आते हैं इस बंदे तो हक अदा कर छड़े जब उस पूरी मेहनत की हो पूरी संजीदगी काम किया होखना लिया भाई इस बड़ा सही काम किया है इस हक अदा कर छड़े। तो हमने कुरान में पढ़ा ऐसे तिलावत करते हैं जैसे तिलावत करने का हक है, हमें पता लग गया भाई
एक ताई तो तू साख है कि असी कोई नहीं शामिल समझ आई ने ते आख्या ने समझ ही ना आती तो बड़की आखना। तो मैं रिवायत से पहले आपसे सिर्फ सवाल करना चाहता हूं कि जब गौर से जवाब देना, ऐसे जवाब ना देना, बात को समझ के जवाब देना कि जब तिलावत कुरान की तिलावत का लफ्ज सुनते हो कि फलाना बंदा कुरान की तिलावत पे करता है तो आपके जहन में क्या आता है? तिलावत किसे कहते हैं? बगैर समझे अरबी पढ़ने को या समझ कर पढ़ने को? तिलावत किस आपके जहन में क्या आता है? साढ़े जहन चाहता है एवं जिम्मे अरबी पढ़ींदा है, साढ़े जहन ची होता है कुरान की तिलावत पे होंगी। बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे हैं हालांकि और भी पढ़ते पे होंगे, ज्यादातर पता सुर होता ही कोई नहीं की बंदा पढ़ता पे। अब जरा सुनो हक के तिलावत सादिक के आले मोहम्मद की रिवायत से, तवज्जो फरमा रहे हैं, रिवायत सुनो और मेरी अराइज तमाम, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। और ये रिवायत सुन के सोचते जाना कि अगर आइम्मा ने ये कुरान का तरीका बताया है तो फिर हमारे अंदर मौजूद क्यों नहीं है? असी जो आने दीन असी मोहम्मदू है, जिदू मर्जी लवन दीन असी आले मोहम्मद तू लेना है तो मुड़ असी किदू लिया है? ये सोचो। तो साढ़े पिंड च एक बंदा आई, वह आंदा जे सोचा वह गुमराह हो गया। बड़े बड़े फलसफी पैदा होते हैं, उन्होंने पता होता इन्हें सोचा तो इन्हें मैंने पैसे कोई नहीं देने, इन्हों बेटा बना के रखो, सोचा नहीं कोई नहीं, एवं बा बा कराई रखो आरामी अलाली कर। तो इमाम फरमाते इसी आयत के नीचे किबला शेख मोहसिन अली नजफी साहब की तफसीर है तफसीर कौसर, उसमें भी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 121 के नीचे आपको ये रिवायत मिल जाएगी इसके खुलासे की शक्ल में। इमाम क्या फरमाते हैं हक की तिलावत क्या है? अल्फाज ये, नंबर एक, युरत्तिलून आयातही, तरतील से इसकी आयात को पढ़ते। तरतील यानी इन नहीं पढ़ते जी में मगर कोई बला लगी हुई है, आराम नल पढ़ते। किवें पढ़ते? आराम नल, आराम नल दा मतलब वो नहीं कि पढ़ना उंदा कोई नहीं थे इस वास्ते आराम आराम नल पढ़ते, पढ़ना उंदा नहीं लेकिन आराम नल पढ़ते। क्यों? फरमाया वयतफक्कहून बिही, ते मुड़ ए आराम आराम नल पढ़ के चंगी तरह समझ दे। की कर दें? वयतफक्कहून बिही, फिक्र तफक्को किसे कहते हैं? एवं डिंगी चिपी समझ लू नहीं, हल्की फुल्की समझ लू नहीं, चंगी तरह समझण, यानी शौकीन होंगे कुरान समझण, जिमें फेसबुक के शौकीन होंगे कुरान दे भी शौकीन, यूट्यूब के शौकीन होंगे कुरान दे शौकीन होंगे। भाई तफक कहू ना भी और अच्छी तरह समझते हैं कुरान, समझ के मोड़ की कर दे बह जाते नहीं, भैया अमलू नबी अहकाम मोड़ जिसने चंगी तरह समझ लेंगे मोड़ जेड़े हुक्म अल्लाह दिते उन्होंने अमल कर। ऐ है तिलावत का माना। तो साढ़े जहन की है बेशक कख पले ना पाँगा प्यो वे तिलावत हो रही है, वो किराअत तो कही जा सकती है तिलावत। किराअत का मतलब होता है हर्फों को जोड़ के लफ्ज बनाना और लफ्जों को जोड़कर पढ़ते जाना, जोड़ने का जमा करने का माना है किराअत का। तिलावत का माना तो होता है पीछे पीछे चलने का, और सुनियो इन्हें ना, बस शमसी व दुहाहा वल कमर इदा, ये तला जो होता है ना पीछे टुरन नुआ दिन, तिलावत उस पढ़न नुआ दिन जेड़ा बंदा पढ़े मुड़ जेड़ी गल पता लगे उन्हें पीछे टुरे भी। तो मुड़ मैं तर्जमा करदा जे इन्हों मैं किताब अता की
इंज कुरान नू पढ़दे जिवें पढ़न दा हक की मतलब इंज मेरियां गल्लां दे पिछे टुरदे जिवें पिछे टुरन दा हक है। सारिया गल्लां सुन के मुड़ भी थोड़े विचू जेड़ा कुरान नहीं पढ़ता वह ना पढ़े तो मुड़ो भी हक ही नहीं। आज साडे इलाके जेड़ा बंदा थोड़ा जा हो जाए ना पुठिया सीधी हरकत करे और याद ने हक हो गया। हां साडी कौम अजीब नहीं वैसे जेड़ा मजू ला छड़िया ने पीर साडे वास्ते दुआ करिया जिन्हू अल्लाह दे हुक्म दी होश नहीं रही जे ड्रामा करता पाया तो मुड़ तो बड़ा वड्डा खबीस है। जे उंज दिमाग ही हल गया पीर वाली केड़ी गल अंदर उत्थे जी वह फलाना बंदा हक हो गया जेड़ा हक के तिलावत सुन के भी मुड़ भी तिलावत ना करे वह वाली जी इमाम पे दस दिन मुड़ वह वाला हक हो वह हक हो गया। आज यहां से ये गिफ्ट हदिया लेके जाओ। हदीस लंबी है लेकिन वक्त बहुत हो चुका और मैं यहीं पे बात को तमाम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमको कुरान और मुहम्मद आले मुहम्मद से तमस्सुक जुबान से नहीं अमल से रवैये से उनकी हिदायत पर चलकर तमस्सुक के साए में जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على محمد وآل محمد بل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد قوم جنہیں کرام تشکر